अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम वेलकम करते हैं आपको अपने एक न्यू व्लॉग में, और आज का व्लॉग जो है वो एक इक्विपमेंट के बारे में है। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। वीडियो शूटिंग टूल है और इससे हम अपनी वीडियोज़ जो है वो अच्छे तरीके से बना सकते हैं, ख़ासतौर पर जिन लोगों का कुकिंग का चैनल है, स्टिल एक जगह पर जो कैमरा रखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनिक किस्म का ये टूल है जिसको मैंने परचेज़ किया है, और यकीनन आपको भी ये पसंद आएगा। आज इसका रिव्यू करते हैं, इसको यूज़ करके देखते हैं। गाइज, ये एक सेल्फ़ी ट्राईपॉड है, सेल्फ़ी ट्राईपॉड 2-in-1। इसको आप सेल्फ़ी भी बना सकते हैं, इसको आप सेल्फ़ी के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको आप जो है वो स्टैंडर्ड ट्राईपॉड के लिहाज से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर आपके साथ शेयर करते हैं कि ये रिकमेंडेड है या नहीं है, और इसकी कीमत के बारे में बात करेंगे, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करेंगे, और आपको बताएंगे कि ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसकी अनबॉक्सिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ से ओपन करेंगे, और ये एक चार्जर है, ये देखते हैं फिर कहाँ कहाँ यूज़ होगा। सबसे पहले इसके अंदर से हमें ये इसकी यूज़र मैनुअल है इस तरीके से, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। और इसके बाद ये एक और यूज़र मैनुअल है इसकी, ये है हमारी सेल्फी स्टिक, इस तरह से ये आपको मिलेगी। ये देखेंगे ऐसे, इसको यहाँ से हम पहले लूज़ करेंगे, ये ऐसे ऊपर होगी। अब इसके अंदर इसके ये दोनों साइड्स पर लाइट्स लगी हुई हैं, जब आपने रिकॉर्डिंग करनी है तो ये आपकी लाइट जो है ये देखें रिमूवेबल है, ये लग भी गई, ये उतर गई और ये दोबारा लग गई। ये चार्जर जो है ये इन्हीं का ही है, यहाँ से ये इसको चार्ज करेंगे। आप सिंपली इसको किसी भी अडैप्टर से लगा के इन लाइट्स को जो है वो चार्ज कर सकते हैं, और देन ये देखें ये इसकी लाइट्स हैं, ये इसके डिफरेंट कलर्स हैं, ये फुल लाइट है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी। ये इसके जो बटन है इसको आप प्रेस करके रखेंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी, और सिंगल सिंगल इसको प्रेस करते जाएंगे तो ये अपना कलर चेंज करते जाएगी। और इसके बाद आपने यहाँ से ये ओपन होगा इस तरह से, ठीक है, ये इसका यहाँ कैमरा जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। अब मैं आपको ये मोबाइल इसमें लगा के दिखाता हूँ, ये देखें गाइस, इस तरीके से आप अपना कैमरा इस सेल्फी स्टिक में लगा सकते हैं, जहां आपको बेहतर लगे आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है, ठीक है। ये देखें आप, ये अच्छा खासा भारी मोबाइल है, लाइट भी है, लेकिन ये देखें ये नीचे नहीं जा रहा और ना ये आगे की तरफ आ रहा है। आप इसको सिंपली अच्छा यूज़ कर सकते हैं, अच्छे मटेरियल से ये बना हुआ है। जब आप इसको एज अ ट्राईपॉड यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसकी ये देखें, इसको आप ओपन करेंगे, ये इसकी लेग्स हैं और ये बहुत ही अच्छे हाइड्रोलिक टाइप की हैं। देखें बस, ये देखें आप इसको एज अ ट्राईपॉड यूज़ कर सकते हैं। इसको लूज़ करके जहाँ पर आपने अपने कैमरे की सेटिंग करनी है वहाँ पर आप अपना कैमरा एडजस्ट करके, और अगर आप अपनी ही वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो आपने कैमरे को सामने लगा के इस तरह से आपको ये देखें इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। इसको जिस एंगल पे आपने सेट करना है ये आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। इसकी हाइट मैं आपको बता दूँ, ये देखें अच्छी खासी इसकी हाइट है, ये मैं आपको नीचे रख के बताता हूँ। ये देखें यहाँ पर इसकी हाइट आ रही है, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त फीचर है, इसको क्लोज़ करते हैं। अच्छा, इसका जो सबसे अच्छा फंक्शन है वो ये है कि अगर तो आप इसको एज अ सेल्फी स्टिक यूज़ कर रहे हैं तो जब ये ऐसे बंद होगा तो यहाँ पर इसका एक कैमरा का बटन है,
जब आप इसको प्रेस करेंगे आपकी वीडियो स्टार्ट और स्टॉप हो जाएगी उसी बटन से, और जब आप सेल्फी मोड पे हैं आपका जो मोबाइल है वो सेल्फी मोड पर है तो आपको सिंपल एक दफ़ा प्रेस करने से आपकी सेल्फी डन हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इसको आप अपनी शूटिंग कर रहे हैं या आप इसको एज अ ट्राइपॉड यूज़ कर रहे हैं तो ये ऐसे काम करेगा कि ये इसका रिमोट जो है ये अलग हो जाएगा, ये इसका रिमोट यहाँ से अलग हो जाएगा। तो इसको ये देखें, ये यहाँ से इसको आप जो ऊपर करेंगे तो इसका ब्लूटूथ ऑन हो गया। आपने इसको अपने ये जो आपका मोबाइल होगा सिंपली इसके साथ ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करके आपने इसको जितनी आप इसको दूर लेके जा सकते हैं आप इसको दूर ले जाएं, और जहाँ तक इसके ब्लूटूथ के सिग्नल होंगे आप इसको इस डिवाइस से, इस रिमोट कंट्रोल से इसको हैंडल कर सकते हैं, अपनी वीडियो को स्टॉप और प्ले और अपनी पिक्चर्स को डन कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके फीचर्स थे। और इसकी लाइट्स आपने चेक कर ली, ये बहुत ही अच्छी लाइट्स हैं, आपको अंधेरे में या रात के वक्त या जहाँ पर लाइट्स जो हैं वो कम हो काफ़ी हद तक ये आपको सपोर्ट कर सकती हैं, आपकी वीडियो को, आपकी वीडियो क्वालिटी को एनहांस कर सकती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। और ये दोनों लाइट्स जो हैं ये चार्जेबल हैं, ये देखें इनको आप सिंपली, ये जो इनका चार्जर है आप उनसे चार्ज कर सकते हैं, या अपने मोबाइल का जो आपके पास चार्जर होगा आप उससे भी इसको चार्ज कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था इसका रिव्यू, अभी हम बात करते हैं इसकी प्राइस की। जी गाइज़ ये थी आज की वीडियो, और अब हम बात करते हैं इसकी प्राइस की, जो कि बहुत ही रीज़नेबल है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल लगी है। मेरा एक फ्रेंड है जो ऑनलाइन इक्विपमेंट का काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जो है वो इंपोर्ट करता है और फिर आगे उसको ऑनलाइन सेल करता है। फिर मुझे ये 2-in-1 सेल्फी और ट्राईपॉड ये मुझे मिला है 2000 रुपीज़ का, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। आप इसको अपने वीडियो शूटिंग के लिए और वीलॉग्स के लिए अच्छे तरीके से इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको भी इस तरह का ट्राईपॉड चाहिए या इससे जुड़े कुछ और इक्विपमेंट चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, तो आपने कॉन्टैक्ट करके जो चीज़ आपको चाहिए होगी आपने वो देख के और फिर मंगवा लेनी है। तो ये था आज का वीलॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीलॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीलॉग में। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।